मॉर्निंग। एक छोटी सी लाइन है, शेर कभी चूहे का शिकार किया नहीं करते, शेर कभी चूहे का शिकार किया नहीं करते और बुजदिल कभी सामने से वार किया नहीं करते। अरे हम तो गोल्ड वाइन के एसोसिएट है यारो, गुड मॉर्निंग बोलने का इंतजार किया नहीं करते, तो गुड मॉर्निंग आई लव यू। हैरानी है इस छत के ना पर्दे अपने आप खुलना चाहिए आपकी आवाज से। अरे ये बिजनेस शेरों का है, हमेशा बोला जाता है कि नेटवर्कर जो होता है वो शेर होता है, है ना? बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे सीनियरों के मोटिवेशन स्पीच सुने होंगे, बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग ली होंगी, और एक ही चीज बोला जाता है कि नेटवर्कर जो होता है वो शेर नहीं, सवा शेर नहीं, बब्बर शेर होता है ना? और चूहे के जैसे बैठेंगे, बिल्ली के जैसे बैठेंगे। ये बिजनेस चूहे बिल्ली सिया गिदड़ गिदड़ी का है नहीं है, ये बिजनेस है दोस्तों बब्बर शेर होता। तो बब्बर शेर वही होता है जो दहाड़ता है, जैसे कि जंगल में बहुत सारे जानवर होते कि नहीं होते, जंगल में जानवर बहुत सारे, बड़े बड़े जानवर, डायनासोर, हाथी, भालू, घोड़ा है। लेकिन दोस्तों एक चीज बताइए, जंगल का राजा किसको माना गया? किसको माना गया? शेर को। सभी लोग जानते कि नहीं जानते, है ना? थोड़ा सा रिप्लाई करेंगे तो हमको भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। अब एक चीज बताइए, शेर को राजा क्यों माना है? वो सबसे ज्यादा दहाड़ता है। शेर से लंबी छलांग बंदर लगा सकता है, इधर से उधर, उधर से उधर गुजर सकता है, है ना? घोड़ा बहुत तेज दौड़ सकता है, डायनासोर उससे बड़ा जानवर, हाथी उससे बड़ा जानवर, शेर से बड़ा हाथी है कि नहीं है? तो घोड़े को राजा ना बना के, हाथी को राजा ना बना के, बंदर को राजा ना बना के, डायनासोर को राजा ना बना करके सारा शेर को ही सुना गया। क्यों? क्योंकि शेर की आवाज में दहाड़ होती है, और एक बार जो निशाना लगा लेता है वो दोबारा छोड़ता नहीं है। मतलब एक बार जो डिसीजन ले लिया सो ले लिया, यस या नो? क्योंकि कभी हार नहीं मानता। तो हम लोग भी गोल्ड वाइन के एसोसिएट है, और हम लोग भी एक बार जो डिसीजन ले लेते, सलमान खान का पुराना डायलॉग है ना, एक बार जो कमिटमेंट कर ली फिर तो अपने आप की छोड़ो। अरे एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली फिर तो अपने आप की क्या, अपने बात के भी नहीं सुनता, ये डिसीजन होना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम प्रदीप यादव और रिसेंटली मैं लखनऊ से हूँ, पर लखनऊ के बगल में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। गोल्ड वाइन में मोटा मोटी ढाई महीना, 16 अक्टूबर की ज्वाली ढाई महीना हो रहा है, ढाई महीना होने को आया, तो ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इस सिस्टम में एक चीज खासियत है, कुछ ना अलग तक, इस सिस्टम की एक अलग क्वालिटी है, उस क्वालिटी को आपको पहचानना पड़ेगा। ये सिस्टम क्यों करना चाहिए, इस सिस्टम में क्यों ज्वाइन किए, इस सिस्टम किस लिए हम आए? अच्छा आज यहां पर इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, अच्छा आप लोग आप में से कोई भी ये बता सकते कि आज हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए, किस लिए इकट्ठा हुए, यहाँ पे इकट्ठा होने का रीजन क्या था? अगर ये नहीं पता चलेगा दोस्तों कि हम आए किस लिए, हम पहुंचे किस लिए, हमें जाना कहाँ है, हमारा अगर वाई क्लियर नहीं है ना, हमारा अगर वाई पार्ट क्लियर नहीं है ना कि मैंने गोल्ड वाई ज्वाइन क्यों किया, मैं यहाँ पे क्यों आया, मुझे काम क्यों करना है, अगर हमने अपना वाई नहीं क्लियर किया तो लाइफ में जिंदगी में कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकते। अगर कामयाबी चाहिए तो सबसे पहले अपना वाई पार्ट क्लियर करना पड़ेगा कि मैं यहां आया क्यों और मुझे इस काम को करना है क्यों। जब तक वाई नहीं क्लियर होगा यहां पर क्या दुनिया के किसी भी सिस्टम में कामयाब नहीं हो सकते। तो आज हम लोग यहां पर क्यों इकट्ठा हुए, किस लिए इकट्ठा?